4 सितंबर 1954 सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट PWF-513 ने 92 पैसेंजर के साथ जर्मनी के एयरपोर्ट से ब्राजील के पोर्ट एलिग्री के लिए उड़ान भरी। ये यात्रा तकरीबन 18 घंटों की होने वाली थी, लेकिन प्लेन के उड़ने के कुछ घंटों बाद उस प्लेन का कॉन्टैक्ट कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। उसके बाद कई दिनों तक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इस प्लेन से कॉन्टैक्ट दोबारा नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लेन बादलों में ही कहीं गायब हो गया। फिर कई सालों तक उस प्लेन को ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उस प्लेन का पता नहीं चल पाया कि आखिर वो प्लेन गया कहाँ। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हमने उस प्लेन और उसमें बैठे 92 पैसेंजर्स को कहीं खो दिया। इस घटना के कुछ महीनों बाद सैंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कई सालों तक इस प्लेन को खोजने की कोशिशें जारी रही। पर न तो इतने सालों में प्लेन का पता लग पाया और न ही उसमें बैठे 92 यात्रियों का। उसके बाद धीरे धीरे सालों में बदल गए, लेकिन प्लेन को खोज पाना असंभव सा लगने लगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक इस घटना के ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को पोर्ट एलिगिरी के रडार में एक अननोन प्लेन देखा गया, जो कि काफी तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो प्लेन लैंड हुआ तो उसे देखकर वहां के ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे लोगों के होश उड़ गए। और उसकी वजह ये थी कि वो प्लेन सैंटियागो एयरलाइंस की थी, जो कि 35 साल पहले बंद हो गई थी। तो फिर उस एयरलाइन की प्लेन अचानक बिना किसी चेतावनी के कैसे आ सकती है? उसके बाद उस प्लेन को जब करीब से देखा गया तो यही प्लेन था जो 35 साल पहले 92 यात्रियों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ये सब देख वहाँ मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये तो कुछ नहीं, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो तो जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने उस प्लेन के कैप्टन से कॉन्टेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन कैप्टन का जवाब न मिलने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अंदर जाने का फैसला किया। फिर प्लेन के दरवाजे को किसी तरह खोलकर वे अंदर पहुंचे। उसके बाद उन लोगों ने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्लेन में इंसानों की जगह इंसानी कंकाल मौजूद थे, जो कि अपनी अपनी सीटों पर सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। ये भयानक दृश्य देखकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग प्लेन के कॉकपिट की ओर दौड़े, ताकि इन सवालों के जवाब वो कैप्टन से पूछ सके कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो वहाँ भी कैप्टन की जगह कंकाल मौजूद थे और उनके हाथ प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल्स पर थे। इस घटना ने उस समय के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और वैज्ञानिक डॉक्टर अकिलो का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा, और साथ ही इसमें कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद थे जिन्होंने इस रहस्यमय घटना की असल वजह जानने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन सभी इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घटना के बारे में एक ही थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि शायद फ्लाइट 513 किसी तरह के टाइम बम्बल में एंटर कर गई और सन 1989 में आ पहुंची। लेकिन इन लोगों द्वारा दी गई थ्योरी भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर पायलट के कंकाल ने प्लेन को सही तरीके से लैंड कैसे कराया, जिस वजह से ये रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। आज के इतने आधुनिक समय में साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद इस पूरी दुनिया में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका अभी तक साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेके आपके मन में क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।